नमस्कार, एनर्जी वीकली आउटलुक में आपका स्वागत है। अगर हम एनर्जी मार्केट की अगर बात करें तो पिछले एक हफ्ते के अंदर जहां पे हमने कच्चे तेल में 2.5% की तेजी के साथ प्राइजेस 6170 के करीब एमसीएक्स पे ट्रेड करता हुआ देख पा रहे हैं, वहीं अगर नेचुरल गैस की बात करें तो यहां पे काफी बड़ी वॉलिटी के साथ मूव करता हुआ दिखा है। हमने रिसेंटली देखा इन्वेंट्री लेवल्स और साथ में प्रोडक्शन लेवल बढ़ने की वजह से नेचुरल गैस में जबरदस्त गिरावट आई थी। हमने लगभग 190 का लेवल भी छूते हुए देखा, बट पिछले एक हफ्ते में लोअर लेवल से नेचुरल गैस में काफी अच्छा उछाल आया और लगभग वीक ऑन वीक में 3% की तेजी इस वक्त दिखा रहा है। फंडामेंटल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, सबसे पहले कच्चे तेल में जो तेजी आई है उसका मुख्य कारण रहा है रेड सी एरिया, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इसराइल और हमास के बीच में युद्ध के बाद से ही टेंशन स्विस कैनाल की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया और कुछ अटैक्स हुए हैं शिपमेंट्स पे, जिसकी वजह से रीरूटिंग हुई है एंड ये कहीं ना कहीं सप्लाई डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है। यहूदी अटैक किए थे कुछ शिप्स में रेड सी एरिया में, जिसकी वजह से स्विस कैनाल अब ब्लॉक एक तरह से हम बोल सकते हैं, कंसर्न्स है, जिसकी वजह से कच्चे तेल को सपोर्ट मिला। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें इन्वेंट्री बढ़कर आ रही है जो अपसाइड को भी कैप कर रहा है, क्योंकि एक तरफ हम कच्चे तेल की डिमांड में डिटोनेशन देखा है और इन्वेंट्री बढ़कर आ रही है जो बढ़ने नहीं दे रहा, जबकि जियोपॉलिटिकल टेंशन जो बढ़ रहा है और साथ में प्रोडक्शन कट जो हमने रशिया और सऊदी की तरफ से देखा है वो प्राइजेस को अपलिफ्ट करने की कोशिश करते हैं। टेक्निकली ओवरसोल्ड जोन में होने की वजह से हमें लगता है कच्चे तेल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के चलिए। EIA ने कट किया 2024 का वर्ल्ड ऑयल डिमांड का, जिसका भी असर हमने पहले आते हुए देखा, बट कहीं ना कहीं स्लोली एंड स्टेडली जो कंजम्पशन है वो अब 1.1 मिलियन बैरल से बढ़ता हुआ भी दिखाई देगा। वहीं नेचुरल गैस की अगर हम बात करते हैं तो वेदर में तो चेंजेस आया है, वार्म वेदर है जिसके से भाव में गिरावट है, बट वहीं इन्वेंट्री अगर हम देखें तो ईयर ऑन ईयर 7.65% से गेन दिखा रहा है, जिसके चलते प्राइसेस में अब तक हमने अच्छी गिरावट देखी है। बट अगले हफ्ते के अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा सप्लाई साइड कंसर्न जो बना हुआ है, जिसके चलते नेचुरल गैस को भी थोड़ा बहुत सपोर्ट मिल सकता है और क्रूड को भी मिल सकता है। बट नेचुरल गैस में ध्यान रखिए इन्वेंट्री एलिवेटेड लेवल्स पे होने की वजह से कोई बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेजी हम आते हुए नहीं देख पाएंगे। तो कच्चे तेल में एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि प्राइसेस 6100 के करीब लेके चलिए, 6280 से लेकर 6350 तक का लेवल हम देख पाएंगे। वहीं अगर हम नेचुरल गैस की अगर हम बात करें तो नेचुरल गैस में 200 के करीब आता है तो लेके चलिए लिमिटेड अपसाइड है, 212 से लेकर 215 तक का इमीडिएट टारगेट रहेगा। बट कुल मिला के वॉलिटी कंटिन्यू मार्केट में बनी हुई रहेगी पूरे एनर्जी पैक।